जिंदाबाद, गुजर बकरवाल जिंदाबाद, ट्राइबल जिंदाबाद, ट्राइबल जिंदाबाद। आवाज दो हरेक, आवाज दो हरेक, आवाज दो हरेक। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि अल्हम्दुलिल्लाह, वो इसलिए क्योंकि ये लड़ाई जो हमने लड़ी थी वो काफ़ी टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज जो लोकसभा का हाउस है वो एडजर्न हो चुका है, और जहां पर बिल जो 26 जुलाई को प्लेस किया गया था, आया गया था, और उसके लिए हम लड़ाई पिछले 2 सालों से लड़ भी रहे थे, और आज भी मैं यही कहूँगी कम्युनिटी से भी और गवर्नमेंट से भी कि जो हमारी लड़ाई है वो यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई है। वो लड़ाई तब तक जारी रहेगी तब जब तक गवर्नमेंट JKST अमेंडमेंट बिल को रोल बैक या विड्रा नहीं कर लेती, तब तक हम अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करेंगे। और ये जो स्ट्रगल थी ये मैं बता देना चाहती हूँ गवर्नमेंट को आज भी फिर से कि ये हमारी कम्युनिटी के हर फर्द ने लड़ाई लड़ी है, बुजुर्गों ने, बच्चों ने, और औरतों ने और मर्दों ने, हर ने लड़ाई लड़ी। यूथ तो हमेशा फ्रंट पर ही था और आगे भी फ्रंट पर ही रहेगा, और इससे हम अभी भी यही कहते हैं गवर्नमेंट को कि आप ये ना, हम आज थोड़ी सी मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह खुशी वाली बात है कि एडजर्न हो गया, बट लड़ाई हमारी कंटिन्यू है और वो तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक गवर्नमेंट ये बिल विड्रा नहीं कर लेती। और मैं गवर्नमेंट को ये भी कह देना चाहती हूँ यहाँ से कि बेटर होगा कि वो इस बिल को विड्रा कर ले, वरना आने वाले इलेक्शन में भी उन्हें इस चीज़ का जवाब मिलेगा, और उसके अलावा भी बहुत सारी रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। और बाकी हमारी कम्युनिटी हमेशा इस कंट्री के हमेशा साथ खड़ी रही है, जहाँ कहीं भी हुआ तो आगे भी हम खड़े रहेंगे, लेकिन अब गवर्नमेंट की टर्न है कि वो हमारे भी साथ खड़े हों और हमारे इस बिल को विड्रा कर लें। और बाकी हमारे साथियों का बहुत शुक्र है कि ये हमारे साथ जुड़े और पहले दिन से, और इंशाल्लाह हमारी मूवमेंट आगे भी कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्टूडेंट एसोसिएशन है अंबेडकर खुले एसोसिएशन करके, उस एसोसिएशन ने भी हमारा जरा हमारी डिमांड थी, इस डिमांड के नाल एसोसिएट करता हम, उन्होंने लगो कि उन्होंने सपोर्ट एक्सटेंड करनी चाहिए तो वे भी आया था, उन्होंने भी अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की। हूँ इस टाइम क्योंकि वो सर्जर्न भी होगा तो हम देखेंगे दोबारा बैठ के डिस्कस करके स्ट्रेटेजी अपनी, क्योंकि उसको पार्लियामेंट एडजर्न पूरी नहीं हुई, एक हो सर्जर्न हो, लोकसभा एडजर्न होगा, राज्यसभा जोड़ो वाले वर्किंग में, तो हम एक बार बैठ के दोबारा डिस्कस कर लेंगे, रिस्ट्रेटेजाइज कर लेंगे कि अपना कल तक जब तक राज्यसभा एडजर्न होती तब तक बैठना है, या फिर आज ही हम जड़ी है कॉल ऑफ कर सकें इसमें। लेकिन इसलिए वो सर्जर्न हो गए, एक जोड़ो जोड़ो इंपॉर्टेंट जिसमें आप लगे तो कि पहले बिल होता है वो जिसमें बिल टेबल हुए हो, तो उस खबर के नाल हम सारा साथी बाहर भी निकले, हमारा आमिर भाई है, एक एक करके हम सारा ना देंगे वोटो देंगे अपनी अपनी कल, आमिर भाई तम आ जाओ। सबसे पहले तो मैं इस वक्त जो हमारा सिटिंग धरना जम्मू यूनिवर्सिटी में था वो इस वक्त हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और हमें अभी खबर मिली है कि जो लोकसभा का जो हाउस है वो अर्जेंट सैंडाई हो गया। तो उसी जो हमारी मूवमेंट थी उसकी कड़ी में एक हमारा ये मकसद था कि इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल इस पार्लियामेंट सेशन में पास ना हो, उसको एक हमें खुशाइंद कदम दिख रहा है। लेकिन जो हमारी डिमांड थी वो अभी भी वही है, हमारी डिमांड थी विदड्रॉ JKST अमेंडमेंट बिल फ्रॉम ऑनगोइंग पार्लियामेंट सेशन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार ने उसको विदड्रॉ नहीं किया और वो बिल वहीं पे है। फिर भी हमारी ये जो मूवमेंट है ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि सरकार इस बिल को वापस नहीं ले लेती, और जो GD शर्मा कमीशन की रिपोर्ट है उसको सैक नहीं कर देती, रद्द नहीं कर देती, ख़त्म नहीं कर देती। क्योंकि साथियों GD शर्मा कमीशन एक फेक और एक बायस्ड कमीशन थी, जिसका पॉलिटिकल मोटिवेटेड कमीशन जिसे हम कह सकते हैं। उसी संदर्भ में हमारी ये 3-4 साल से ये जो लड़ाई थी उसको हमने लड़ा है, और उसी लड़ाई के संदर्भ में हमारा एक सिटिंग जो धरना था वो भी एक हमारा पहलू था। इससे पहले हमने ट्राइबल बचाओ मार्च, मशाल मार्च और बहुत सारे महापंचायत इवेंट्स किए हैं जिनमें हमने ये डिफरेंट जगह पर लड़ाई लड़ी थी। यहाँ जम्मू यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने जब हमारी कम्युनिटी पे सबसे वर्स्ट क्रैकडाउन हुआ था उस वक्त हमने ये डिसाइड किया था, जब हमें अलाउ नहीं किया जा रहा था पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, तब हमें ये आया कि हम यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में रह के अपना जो है प्रोटेस्ट दर्ज करवाएं। इस वजह से आज हम यहाँ पे एक स्ट्रेटेजाइज करेंगे दोबारा कि हमें इस मूवमेंट को दोबारा से कैसे लड़ना है और कैसे इसको आगे लेकर जाना है। फिलहाल के लिए
ये खुशाइन बात है कि जो हाउस एडजर्न हो गया और ये बिल पास नहीं हुआ। बिल बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, अनडेमोक्रेटिक है और उसको एक्सेप्टेबल वो कभी भी किसी भी कॉस्ट पर वो ट्राइबल्स अक्रॉस द इंडिया और अक्रॉस द जेएनके वो किसी भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे हमारे कुछ और साथी हमें यूनिवर्सिटी से सपोर्ट एक्सटेंड करने आए थे, उन्होंने भी कहा कि जो आपकी लड़ाई है वो हक और सच की लड़ाई है, हक और इंसाफ की लड़ाई है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, आइडिया ऑफ रिजर्वेशन बचाने की लड़ाई है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई में हम कदम ब कदम जीतते जाएंगे और हम पूरी उम्मीद हैं कि ये लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। जो नॉन डिजर्विंग लोग हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए, वो हम वो डिजर्व नहीं करते, इसी को लेकर हमने ये लड़ाई शुरू की थी और इस लड़ाई को तब तक यहाँ हम जारी रखेंगे जब तक सरकार उस स्टेप को स्टेप बैक ना ले ले। इस वजह से हम आज जो हमारा सिटिंग धरना था उसको अब रीस्ट्रेटेजाइज करके हम दोबारा से मूवमेंट की नई शक्ल कैसे देनी है वो हम बताएंगे। फिलहाल के लिए हमारे जो साथी यहाँ पे जमा हुए थे, गर्ल्स रिप्रेजेंटेशन थी, डिफरेंट डिपार्टमेंट शोभाजा से यहाँ पे स्टूडेंट आए थे, उनका हम मशकूर ममनून हैं क्योंकि ये हम सब की स्ट्रगल थी और हमने सब ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे वो लोग भी हैं जो अभी मौजूद नहीं हैं, जो डिफरेंट शिफ्ट्स में आते रहे, यहाँ पे वो लोग भी मौजूद हैं जो श्रीनगर की इस कपकपाती ठंड में बाहर बैठे रहे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे रहे, यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जो जेलों में रहे, यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनको डिटेन और हरास और अरेस्ट किया गया। तो ये सब की स्ट्रगल थी और इसमें हमारा ये आज फिर भी मुतालबा है सेंट्रल सरकार और बीजेपी सरकार से कि जो सबसे बड़ी डिमांड हमारी ट्राइबल्स की और गुजर बकरवाल कम्युनिटी की थी कि विड्रॉ कर लीजिए ये जो एंटी ट्राइबल बिल है उसको, फिर भी सरकार अगर चाहे तो वो विड्रॉ कर ले और आश्वासन दे दे कि ट्राइबल्स को जो ट्राइबल के राइट्स हैं उनको कभी स्नैच नहीं किया जाएगा और उनकी उनमें और लोगों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे हमारी रियल आइडेंटिटी वो ख़त्म हो जाएगी। सभी को मेरी तरफ से आदाब, मैं काशिफ चौधरी। तो मैं यही बस कहना चाहूँगा कि जैसे अभी न्यूज़ आई है कि हाउस एडजर्न हो गया है, तो इस पर यही है कि मतलब एक थोड़ी सी राहत जो हमें लेने का मौका मिला है यहाँ पे, तो इस पर यही कहना चाहेंगे कि जितनी भी मतलब कि ये ना सोचे जाए कि ये लड़ाई ख़त्म हो चुकी है, ये लड़ाई अभी जारी है। जब तक ये जो 22 रिपोर्ट एक जी डी शर्मा की तरफ से आई गई थी फेक रिपोर्ट, उसके ऊपर ये जो JK ST अमेंडमेंट बिल, जब तक ये विद्रॉ नहीं होता तब तक हम सड़कों पर रहेंगे और अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। बस ये है कि थोड़ी राहत की सांस एक आज एक खुशखबरी अल्हम्दुलिल्लाह आई है यहाँ पे सुनने में कि हाउस जो है लोकसभा का एडजर्न हो गया है। तो बाकी भी मेरी यही अपील रहेगी सभी लोगों से, जो हमारे कौम के नौजवान हैं, हमारी बहनें हैं, बड़े जो साथी अभी तक इस मूवमेंट का हिस्सा रहे हैं, कि आगे भी ये जो लड़ाई है इसे कंटिन्यू रखें जब तक ये मतलब कि एक पूरी तसल्ली नहीं हो जाती है कि जो ये बिल है ये गैरआइनी बिल जो ये लेकर आए थे ये विद्रॉ ना हो जाए, तब तक हम सड़कों पर ये इस लड़ाई को कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। इरफान भाई अपनी गल रखेंगे, ये लॉ डिपार्टमेंट थे जम्मू यूनिवर्सिटी का। देखो जिस तरह से आप सब ने देखा होगा किस तरह से पिछले 3 दिन से हम यहाँ से दिन रात को यहाँ जो है यहाँ बैठे रहे इस कड़कती ठंड में। हमारी सरकार से एक ही डिमांड है, जो जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब अमेंडमेंट बिल है इसको रोल बैक किया जाए। जो GD शर्मा की एक कमीशन बनी थी, हम उस कमीशन के अगेंस्ट है, हम किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट नहीं है या किसी के भी अगेंस्ट नहीं है, ना ही गवर्नमेंट का जो एक एंटी ट्राइबल थॉट है हम उसके अगेंस्ट है। हमारी सरकार से ये डिमांड क्लियर है, ये हमारी लड़ाई जो है ये हाउस टू हाउस नहीं चलेगी, हमारी लड़ाई तब तक है जब तक GD शर्मा जो रिपोर्ट है वो रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं होगी, उसको रिकन्सिडर नहीं किया जाएगा जब तक उसमें एक ST या SC कम्युनिटी का मेंबर ऐड करके फिर से एक प्रॉपर सर्वे करके उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक हमारे प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेंगे। ये हमारी लड़ाई जो ये बोल रहे हैं कि सेशन 2 सेशन है, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसके बाद भी सरकार के खिलाफ एहतजाज करते रहेंगे जब तक GD शर्मा रिपोर्ट जो है उसको रोल बैक नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसी तरह सड़कों पर दिखेंगे। एक बार दोबारा क्लियर कर छोड़ो कि हमारी लड़ाई ना तो 4 दिन पहले शुरू हुई थी, ना आज या कल खत्म रहेगी, या लड़ाई 1.5-2 साल से पहले शुरू हुई थी, या तब तक रहेगी जब तक हमारी जड़ी डिमांड है, और डिमांड है कि विड्रा नहीं कर लेता इस बिल ना, और उसके नाल नाल जड़ी कमीशन है बायस्ड कमीशन है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड कमीशन है, जिस तरह मेरे साथियों ने आमिर भाई ने, इरफान भाई ने, वजाई भाई ने बड़ी डिटेल में गल कही है, जब तक उस कमीशन ना रिकॉन्स्टिट्यूट करके उस कमीशन में हमारा कम्युनिटी को एक मेंबर नहीं रखता जिस जो हमारा रिप्रेजेंट कर सके, हमारी कम्युनिटी का सेंटीमेंट ना रिप्रेजेंट कर सके, तब तक क्या हमारी लड़ाई है। और हमारा भी जिस टाइम मौजूद है गर्ल्स ना बीच हमेशा रिप्रेजेंटेशन लगती रही है ना, और इस मूवमेंट की सबसे बड़ी कामयाबी यह थी कि यह मूवमेंट मर्दा ने भी उतनी ही लड़ी है जितनी औरतों ने लड़ी है, स्टूडेंट्स बीच बॉयज़ की भी उतनी रिप्रेजेंटेशन हुआ थी जितनी गर्ल्स की रिप्रेजेंटेशन हुआ थी। तो नायला जड़ी है पहले दिन से हमारे नाल मूवमेंट में भी जुड़ी हुई है, इस टाइम भी हमारे नाल है, गर्ल रखी हुई अपनी नायला।
बैठे हुए हैं ना, तो सिर्फ बाबा साहब अंबेडकर की वजह से इन यूनिवर्सिटीज में बैठे हुए हैं। उनका क्या योगदान था हमारे समाज के लिए, और उन्होंने देखा ये पिछड़े हो गए हैं, ये लोगों को हक हकूक नहीं मिल रहा। मैं परसों गया था लोधरा, लोधरा है रियासी से ऊपर, वहाँ पे मैंने देखा पहाड़ी के ऊपर एक बकरवाल ने अपना घर बनाया हुआ है, और मैंने पूछा उनके बच्चों की क्या पढ़ाई कर रहे हो, वो कह रहे हैं नहीं बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, आना जाना ये सारा वहाँ पे हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। वो बेचारा ट्राइबल वहाँ पे इतनी दूर रह रहा है, और आप कह रहे हो कि आप एक कम्युनल टेंशन पैदा करके कम्युनिटीज़ के बीच लड़ाई करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा को सेट कर रहे हो, ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये उनको भी खुद सोचना चाहिए। और जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ये उनको भुगतना पड़ेगा, आज ना आज कल ये उनको भुगतना पड़ेगा। जब ये हिंदुस्तान की जनता या भारत की जनता ये जान गई तो ये भुगतेंगे, ये सच्चाई है। बाकी अंबेडकर फुले स्टूडेंट एसोसिएशन बाबा साहब की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ी है और हमेशा आपके साथ खड़ी है, शाना बशाना खड़ी है। और जहाँ भी बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, हिंदुस्तान के भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कहीं भी कुछ गलत होगा, वहाँ पे अंबेडकरवादी लोग सबसे आगे खड़े होंगे। सबका एक बार हर मकदम भी करता हूँ और उसके साथ 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 शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी गुजर बकरवाल कम्युनिटी की जो डिमांड्स है उनके साथ एसोसिएट करा। आपको ये फील हुआ कि गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ आज सरकार जो ये स्टेप ले रही है, एक एंटी ट्राइबल बिल ला के ये गलत कर रही है। आप लोगों ने ये पीड़ा हमारी समझते हुए हमें सपोर्ट एक्सटेंड की, हम आपका बहुत शुक्रगुजार करते हैं। और आपको ये आश्वासन देते हैं आज यहाँ से कि जब कभी भी आपके समाज के साथ कुछ गलत हो रहा होगा तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी का स्टूडेंट आपके साथ खड़ा होगा, शाना बिशाना साथ में खड़े होकर हम आपकी लड़ाई भी लड़ेंगे। यहाँ पे बिलाल भाई आपको करेक्ट कर देता हूँ, आपका समाज या हमारा समाज नहीं है, बहुजन समाज, बहुजन समाज इकट्ठा होगा, जो साहब कांशीराम ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था। तो हम ये बहुजन समाज है सारा, और जिस दिन ये बहुजन समाज एक हो गया तो शासक भी हमारा ही होगा, ये सच्चाई है। और वो दिन अब दूर नहीं है क्योंकि हमारे कौम के लोग जाग रहे हैं। और कौम, अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये देकर के आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुँचा सके।